नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर देश भर ने मोदी लहर देखी। भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड सीटों के साथ जीत दर्ज की। 2014 में 282 सीटें पाने वाली बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर गई। एनडीए का आंकड़ा 348 तक जा पहुंचा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की हार हुई। इनमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और राहुल गांधी के बेहद करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी गुना सीट से हार हुई। उन्हें बीजेपी के कृष्णपाल यादव ने 1,00,000 से ज्यादा वोटों से हराया, जो इस तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर कृष्णपाल यादव कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत के राजदार रहे थे, लेकिन पिछले उपचुनाव में अपने अनदेखी के बाद वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए। 45 साल के कृष्णपाल यादव पेशे से MBBS डॉक्टर हैं। उनके पिता अशोक नगर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं। KP यादव कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद नजदीकी रहे हैं। सिंधिया की चुनाव की तैयारियों को वो अच्छी तरह देखते थे। जानकार बताते हैं कि मुंगावली विधानसभा के उपचुनाव में कृष्णपाल यादव टिकट के मुख्य दावेदार थे। यहाँ तक कि सिंधिया ने इनसे तैयारी के लिए भी कह दिया था और वो क्षेत्र में सक्रिय भी हो गए थे, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जब बीजेपी ने KP यादव को उतारा तो ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 23 मई को आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि KP यादव को कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था। लेकिन कृष्णपाल यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पसीने छुड़ा दिए। गुना लोकसभा सीट जहां से विजय राजे सिंधिया 6 बार, माधव राव सिंधिया 4 बार और ज्योतिरादित्य ने 4 बार चुनाव जीता, वहां बीजेपी के कृष्णपाल सिंह यादव ने जीत दर्ज कर दी। वहीं कृष्णपाल सिंह को लेकर एक सेल्फी का किस्सा भी बेहद मशहूर हुआ। बताया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया ने एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कभी महाराज के साथ सेल्फी लेने की लाइन में रहते थे, उन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुना है। लेकिन प्रियदर्शनी का ये मजाक उन्हीं पर भारी पड़ गया। उनके पति ज्योतिरादित्य सिंधिया की सेल्फी लेने वाले KP सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव में उनको भारी मतों से शिकस्त दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।